लोहरदगा जिले में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोहरदगा के 19 परीक्षा केंद्रों में सरकारी स्कूलों की तरफ से 8वीं पास विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम रही। कई परीक्षा केंद्रों में तो परीक्षार्थियों से ज्यादा संख्या शिक्षकों की दिखाई पड़ी। जिले में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए 7,256 बच्चों ने आवेदन दिया था, जिसमें से महज 2,579 बच्चे ही परीक्षा में शामिल हो सके। परीक्षा केंद्र +2 चुन्नीलाल हाई स्कूल में 400 विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना था, जबकि मात्र 3 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। एमएलए महिला कॉलेज लोहरदगा में 350 से अधिक परीक्षार्थियों की जगह केवल 17 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। दरअसल 30 जून को परीक्षा का आयोजन जिले में किया गया था, जिसमें विभाग और शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आई। परीक्षा की सूचना काफी देर से विभाग से विद्यालय को प्राप्त हुई और छात्रों के पास एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे करीबन 4,677 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। बता दें कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई में आर्थिक मदद की एक महत्वपूर्ण योजना है। निश्चित रूप से हमारे ज़िले में करीब 7,000 के पास आसपास आवेदन आए थे, भरे थे ऑनलाइन बच्चों ने, और उसमें हम लोगों की उपस्थिति मात्र 2,500 के आसपास थी। तो निश्चित रूप से ये संख्या बहुत ही कम थी। जितने बच्चे आने चाहिए थे उतने नहीं आए। एक गलती हुई है कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर करके बच्चों को देना था, यदि वो समय पर शिक्षकों के माध्यम से चला जाता तो संख्या बढ़ती। इसमें एक आने वाले समय के लिए एक हम लोगों को प्रिकॉशन लेना होगा कि पहले से ही एग्ज़ाम के बारे में बच्चों को इत्तला करना पड़ेगा, प्लस जो एडमिट कार्ड है उसको हाथ में ही देना पड़ेगा कि ये दिन एग्ज़ाम है।